उत्तराखंड में विकास की रफ्तार तेज हो रही है। पर्यटन के बाद अब उत्तराखंड में वेडिंग डेस्टिनेशंस बनाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद अब सूबे की धामी सरकार विस्तृत नीति बना रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड का नैसर्गिक सौंदर्य हमेशा से देश दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करता रहा है। अब प्रदेश वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी खास पहचान बनाएगा। सीएम धामी ने कहा कि सरकार इसके लिए एक विस्तृत नीति बनाने पर कार्य कर रही है, जिसके परिणाम शीघ्र ही सामने आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपेक्षा के अनुरूप उत्तराखंड जल्द ही वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में नंबर वन बनेगा। कि इसके लिए उत्तराखंड देवभूमि सबसे अच्छा स्थान है और उत्तराखंड में ऐसे अनेक स्थान है। जैसे आप लोगों ने अभी रामनगर की बात करी, रामनगर एक बड़ा डेस्टिनेशन है। अभी भी मैं भी खुद अभी पिछले दिनों दो विवाह समारोह में मैं वहां गया था। इसके अलावा ऋषिकेश में काफी लोगों ने और अच्छे अच्छे लोग केवल कहीं जिसके मतलब दूल्हा हमारे भारत का और दुल्हन विदेश की, उन्होंने भी यहां पर आकर अपनी वेडिंग करी है। और ये तो जैसे त्रिजुरी की नारायण जैसे स्थान है जहां शिव पार्वती का विवाह हुआ था, ऐसे अनेक स्थान हैं जहां पर हम कर सकते हैं। देहरादून मसूरी में तो लोग करते ही हैं, आकर बाहर से भी आते हैं, बड़ी संख्या में आते हैं, रामनगर में आते हैं, ऋषिकेश में आते हैं, हरिद्वार भी लोग आते हैं। और प्राकृतिक सुंदरता के लिए अगर हम बात करें तो ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जिसके बारे में जैसे अभी आयुष ने बोला कि चकराता में भी उन्होंने वेडिंग करवाई है। तो चकराता जैसे अन्य भी स्थान बहुत हैं। ये जरूर है कि अभी वहां पर जो हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हमें डेवलप करना है, उस दिशा में काम कर रहे हैं। और इसलिए हमारे पास जो मीनाक्षी सुंदरम जी यहां बैठे हैं, मैंने इनसे आज कहा था कि ये बैठक में रहे हैं, इसके पीछे भी यही था कि आप लोगों के बीच में से जो सुझाव आएंगे तो उन सुझावों पर हम लोग चर्चा करेंगे।